विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के इवेंट आयोजित किए जाते हैं, पर इंदौर की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एक विशेष इवेंट का आयोजन किया गया है, जहां विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवा विद्यार्थियों को वास्तु एंड डाउजिंग के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम दो दिवसीय है, जो 17 और 18 मार्च को आयोजित किया गया है, जिसमें पुणे से आए हुए वास्तु एवं डाउजिंग एक्सपर्ट संजय अग्रवाल विद्यार्थियों को इस बारे में पूरी पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत मान्यताओं का देश है और हमारे देश में ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी जैसी तमाम मान्यताएं हैं, और जिनसे बड़ी संख्या में लोगों की विचारधाराएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, पर कम उम्र के युवा कई बार इन सब चीज़ों के बारे में पूरी पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं। इसी उद्देश्य इस इवेंट को आयोजित किया गया है, जहां पहले दिन ही 120 विद्यार्थी नजर आए। आपको बता दें, इस पूरे इवेंट के दौरान पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी प्लाट्स के बारे में, वास्तु डिग्री, वास्तु पुरुष, डायरेक्शन, वास्तु एनर्जी, उसके प्रभाव, वास्तु के प्रकार, वास्तु के नियम, वास्तु और कलर जैसे तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी और सभी विद्यार्थियों को इन सभी पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। मैम, जो ये वास्तु को लेकर के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दो दिवसीय, तो कैसा कार्यक्रम है, कितने बच्चे इसमें जो है सम्मिलित हो रहे हैं, कौन इसके ट्रेनर हैं और क्या इसका उद्देश्य है? जी, ये वास्तु एंड डाउजिंग पर हमने दो दिवसीय वर्कशॉप रखा है और ये वर्कशॉप हमने खुला रखा था, तो इसमें हमारे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के लैंडस्केप डिजाइन के स्टूडेंट्स, एमवोक यानी मास्टर ऑफ वोकेशन के इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो हमारे यूनिवर्सिटी का अपना टीचिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन और बीवोक इन इंटीरियर डिज़ाइन के करीब 120 बच्चे यहाँ आज इस वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के साथ में इनके टीचर्स भी जो हैं, फैकल्टी मेम्बर्स भी आज बैठे हैं, और बाहर से हमारे जो वक्ता आए हैं वो पुणे के साई कंसल्टेंट से काफ़ी माहिर ऐसे वक्ता संजय जी अग्रवाल, वो आए हुए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है इस वर्कशॉप की कि इस वर्कशॉप में पहले दो घंटे थोड़ा सा सैद्धांतिक यानी थेरेटिकल नॉलेज कवर किया जाएगा, और फिर लंच के बाद जो है वो पूरा प्रायोगिक रीति से जो भी पहले कवर किया है उसको पूरा प्रैक्टिकल उसका जो है स्वरूप बच्चों को सीखने मिलेगा। जी मैम, एक बार नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर माया इंगले, निदेशक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर। जी मैम, धन्यवाद।